नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है, कोरोना की वजह से सब कुछ बंद है। हाल ही में गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की अवधि को अभी 30 जून तक बढ़ा दिया है, लेकिन मई के महीने में गवर्नमेंट ने कई सेक्टर्स और कंपनीज को लॉकडाउन से कंडीशनल छूट दी थी, जिसकी वजह से कार्स के शोरूम ओपन हो गए थे, जिसकी वजह से मई के महीने में कार डीलर्स अपनी गाड़ियों की डिलीवरी दे पाए हैं। लेकिन कल ही जब मैंने टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स में 2020 का वीडियो अपलोड किया था, जिसके सेल्स फिगर पर कोरोना का असर आपको साफ साफ नज़र आएगा। तो चलिए जानते हैं मई के महीने में बिकने वाली टॉप 10 बेस्ट सेलिंग SUVs के बारे में आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। इस लिस्ट में पूरे भारत में 10वें पायदान पर आई है दोस्तों टोयोटा की फॉर्च्यूनर। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 267 यूनिट्स बिकी हैं। वहीं मार्च के महीने में ये गाड़ी 1100 यूनिट बेचकर 9वें पायदान पर थी, लेकिन इस महीने एक पोजीशन नीचे खिसक कर ये 10वें पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 28,66,000 रुपये से शुरू होकर 34,43,000 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 9वें पायदान पर आई है फोर्ड की इको स्पोर्ट्स। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 331 यूनिट्स बिकी हैं। वहीं मार्च के महीने में ये गाड़ी 2,197 यूनिट बेचकर 6ठे पायदान पर थी, लेकिन इस महीने 3 पोजीशन नीचे खिसक कर ये गाड़ी 9वें पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 8,04,000 रुपये से शुरू होकर 11,58,000 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 8वें पायदान पर आई है दोस्तों मारुति की ब्रेजा। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 572 यूनिट्स बिकी हैं। वहीं मार्च के महीने में ये गाड़ी 5,513 यूनिट बेचकर 4थे पायदान पर थी, लेकिन इस महीने सीधे 4 पोजीशन नीचे खिसक कर ये गाड़ी 8वें पायदान पर आ गई है। यहाँ पर इसे देख कर आपको डेफिनेटली एक झटका सा तो ज़रूर लग गया होगा। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 7,34,000 रुपीज़ से शुरू होकर 11,15,000 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 7वें पायदान पर आई है दोस्तों टाटा की नेक्सॉन। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 623 यूनिट्स बिकी हैं। वहीं मार्च के महीने में ये गाड़ी 2,646 यूनिट बेचकर 5वें पायदान पर थी, लेकिन इस महीने सीधे 2 पोजीशन नीचे खिसक कर ये 7वें पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 6,95,000 रुपये से शुरू होकर 12,70,000 रुपये तक की मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों, और इस लिस्ट में पूरे भारत में 6ठे पायदान पर आई है MG की हेक्टर। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 672 यूनिट्स बिकी हैं। वहीं मार्च के महीने में ये गाड़ी 1,402 यूनिट्स बेचकर 8वें पायदान पर थी, लेकिन इस महीने 2 पोजीशन ऊपर उठकर ये गाड़ी 6ठे पायदान पर आ गई है। लेकिन इसके सेल्स में लगभग 48% की गिरावट हुई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 12,74,000 रुपये से शुरू होकर 17,73,000 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 5वें पायदान पर आई है ह्युंडई की वेन्यू। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 1,242 यूनिट्स बिकी हैं। वहीं मार्च के महीने में ये गाड़ी 6,127 यूनिट बेचकर 3रे पायदान पर थी, लेकिन इस महीने 2 पोजीशन नीचे खिसक कर ये गाड़ी 5वें पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 6,70,000 रुपये से शुरू होकर 11,51,000 रुपये तक की मिल जाती है। दोस्तों इस लिस्ट में पूरे भारत में 4थे पायदान पर आई है महिंद्रा की XUV300। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 1,257 यूनिट्स बिकी हैं। वहीं मार्च के महीने में ये गाड़ी 814 यूनिट बेचकर 10वें पायदान पर थी, लेकिन इस महीने सीधे 6 पोजीशन ऊपर उठकर ये गाड़ी 4थे पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 8,30,000 रुपये से शुरू होकर 12,69,000 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 3रे पायदान पर आई है दोस्तों किया की सेल्टॉस। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 1,611 यूनिट्स बिकी हैं। वहीं मार्च के महीने में ये गाड़ी 7,466 यूनिट बेचकर नंबर 1 के पायदान पर थी, लेकिन इस महीने सीधे 2 पोजीशन नीचे खिसक कर ये 3रे पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 9,89,000 रुपये से शुरू होकर
16,39,000 रुपए तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में दूसरे पायदान पर आई है दोस्तों महिंद्रा की बोलेरो। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 1,715 यूनिट्स बिकी हैं, वहीं मार्च के महीने में ये गाड़ी 2,080 यूनिट बेचकर यानी कि 2,080 यूनिट बेचकर सातवें पायदान पर थी, लेकिन इस महीने सीधे 5 पोजीशन ऊपर उठकर ये दूसरे पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 7,77,000 रुपये से शुरू होकर 8,78,169 रुपये तक की मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जान लेते हैं नंबर वन के पायदान पर। तो इस लिस्ट में पूरे भारत में नंबर वन के पायदान पर आई है दोस्तों ह्यूंडई की क्रेटा। इसने दोबारा से अपनी पोजीशन पा ली है। मई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 3,212 यूनिट्स बिकी हैं, वहीं मार्च के महीने में ये गाड़ी 6,706 यूनिट्स बेचने के बावजूद भी छठे पायदान पर थी, लेकिन इस महीने सीधे 5 पोजीशन ऊपर उठकर ये गाड़ी वापस से नंबर वन के पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 9,99,000 रुपये से शुरू होकर 17,20,000 रुपये तक की मिल जाती है। तो कुल मिलाकर ये थी वो 10 गाड़ियां दोस्तों जो मई के महीने में टॉप 10 बेस्ट सेलिंग SUVs की लिस्ट में शामिल हुई हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।